वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है किसमें, लोकोमोशन करने के लिए, कि पानी को बहुत तेज़ी से इनकी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है एकाइनोडर्मस में, जो एकाइनोडर्मेटस के मेंबर हैं, क्या होता है इसमें लोकोमोशन करने के लिए वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है। ये वाटर वस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन के साथ साथ कैप्चर करना प्रे को, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इनकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है, क्योंकि जितना वेस्ट मटेरियल है इस वाटर वस्कुलर सिस्टम के द्वारा भी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। ये एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन, एंड इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनके मेंबर्स जैसे कि हम जानते हैं स्टारफिश, एस्टेरियस, सीक कुंबर, कुमारिया एक्सेप्ट्रा, बहुत सारे क्या इनके एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा इनमें जो एनिमल्स आते हैं इनमें स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक, जो वॉर्म होते हैं वॉर्म लाइक मैराइन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। वॉर्म देखे होंगे आपने, है ना, हमने पिछली क्लास में आपको बताया है वॉर्म, डिफरेंट टाइप के वॉर्म्स बताए हैं। तो वॉर्म लाइक इनकी बॉडी होती है, मैराइन एनिमल्स हैं जी। इनमें इनकी जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, और सिलेंड्रिकल बॉडी तीन भागों में डिवाइड रहती है। एक इनका एंटीरियर पार्ट होता है जिसे प्रोबोसिस कहते हैं, आप देख पा रहे हैं मैंने दिखाया, प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट, बीच वाला कॉलर पार्ट है जो कॉलर पार्ट देख पा रहे हैं आप, और लास्ट में एक लंबी सी क्या होती है, टेल होती है, क्या होती है, टेल या ट्रंक बोलते हैं यहाँ पे, इस पार्ट को ट्रंक बोलते हैं, लॉन्ग ट्रंक या टेल, ट्रंक के अंदर टेल आ जाती है, लॉन्ग होती जा इस तरीके से। तीन भागों में इनकी बॉडी डिवाइड है। इन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, और ये एनिमल्स कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं एंड सीलोमेट्स, तीन लेयर होती है इनकी बॉडी में और सीलम पाया जाता है, सीलोमेट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए यहाँ इनमें क्या होता है, ओपन टाइप होता है, मीन्स आर्टरी वेंस नहीं होती, डायरेक्टली सेल्स एम्बेडेड रहती हैं ब्लड के अंदर। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाएगा वो होती हैं प्रोबोसिस ग्लैंड्स। प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड क्या करती हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती हैं। ये भी यूनिसेक्सुअल हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्वा स्टेज में बनती है, दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है इसमें बैलेनोग्लॉसिस, सैकोग्लॉसिस, ये सारे कैन के एग्जाम्पल्स हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।